पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान जल्द मुश्तरका ड्रामा और फिल्में बनाने का मंसूबा भी शुरू होगा। Soon after. Action! क्या एक्टिंग कर रहा है? बॉलीवुड भी ऐसी कोई एक्टिंग नहीं कर सकता। मिल गया सर, स्टार। ये स्टार इज बोर्न टुडे। उसने अपने कपड़े भी उतार दिए थे? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खास नहीं किया। ओहो, कुछ खास नहीं किया, जो किया वो बता दें। शैतान ने कैसे वरगलाया आपको? कहाँ से सीखा ये काम करना? कैसे सीखा, कहाँ सीखा, कैसे था? सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुई है आपके हवाले से, क्या आप बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं? मेरी बच्ची ने आके मैंने रोन दिया, इन्हें कार बच्ची आई ने तो कहंदी मामा मैं पढ़न नहीं जाना। मैं क्या बेटा क्यों नहीं जाना? तो कहंदी है मामा के कार साहब ने ना कि मैनू ना अंदर बुला के सफारा साइड पर रखवा के ना कि मेरी शलवार उतार के ना तो अपनी अपनी पेशाब वाली जगह मेरी पेशाब वाली जगह जाके वाशरूम कर दिता। सफारा रख दो तो बाद में फिर मुझसे आके क्या था? कैसे किया था? पहले कहता सपारा साइड पर रख दो, मैंने रख दिया तो फिर बात कहता निकल मेरी खुद ही निकल उतार के तो ऐसे कहा था मेरे साथ। बस झोली में उठाया। अच्छा, और क्या किया? कुछ बच्ची बता रही है कि आपने पेशाब भी किया। ये बच्ची के अल्फाज हैं, बच्ची झूठ बोल रही। पेशाब नहीं किया। अच्छा, क्या किया आपने? बस झोली में उठाया। पढ़ाते क्या थे आप? सपारा। नमस्कार, नीच मूर्त महाजाहिल लुच्चो दिन 786 मस्तकर रहमत उल्लू वाले द्वारा आसमानी शास्त्र के अंदर सुपाड़े के रंग रूप आकार तथा प्रवृत्ति के विषय में वर्णन करते हुए हर मस्तकर वंशी पिल्ले पिलूरी को मादरसे में पदार्पण करते ही सुपाड़े का अध्ययन करवाने के लिए बाध्य करना ही वो कारण है कि 99.786% मस्तकर वंशी पिल्ले पिलूरियों की गुल्लकें अथवा दुग्गियां 5 से 7 वर्ष की आयु आते आते उनके मजहबी शिक्षकों द्वारा खोलकर मस्तकरीय सिद्धांतों के अनुसार भविष्य के लाठी प्रक्षालन के लिए तैयार कर दी जाती हैं। आज गंडल सुलेमानी की इस रिपोर्ट में कारी की पदवी धारण करने वाले सुपाड़ा विशेषज्ञ एक मजहबी शिक्षक द्वारा अपरिपक्व दुग्गी को लाठी पर धारण करने के स्थान पर दुग्गी पर लघुशंका करने की एक घटना के विषय में विस्तार से जानेंगे। साथ ही मजहबी शिक्षक कारी द्वारा लाठी पर धारण करने के स्थान पर दुग्गी पर लघुशंका कर देने से नाराज SHO फिलीम के सामने ही मस्तकर वंश रत्न इस कारी से सुपाड़े का गलत अध्ययन करवाने का कारण भी जानेंगे। हमारे बच्चे अगर तालीमी अदारों में तालीम हासिल करने जाएं तो वहां भी महफूज नहीं है, घरों में अकेले छोड़ दिया जाए बच्चों को वहां भी महफूज नहीं है, और अगर कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए हमारी बेटी जाए दीनी तालीमी अदारों में तो वहाँ पे भी महफूज नहीं है। बहुत अफसोस के साथ इस बच्ची की उम्र तकरीबन 7 से 8 साल है। वो दरिंदा इनको अरबी की तालीम दिया करता था, कुरान पाक पढ़ाया करता था, कलमे पढ़ाया करता था, अल्लाह ताला के दिए हुए अहकामात बताया करता था, वसल्लम के बताए हुए अहकामात सिखाया करता था। बहुत लंबी दाढ़ी भी रखी हुई है, मस्जिद में नमाजें भी पढ़ता है वो शख्स, लेकिन जब आप उस शख्स का बयान सुनेंगे तो कहेगा मुझ में शैतान आ गया था। लेकिन इस बच्ची के साथ जो वाक्या पेश आया जानिएगा जरा। ओ साढ़े महल का कारी साहब है, बच्चे सारे महल के पढ़ते, सानू उन्हें इतमाद से अपने घर में बच्चे पूरे महल के पढ़ाता से कभी घर जाके पूछे। कितने अरसे से पढ़ा रहा था इसको? एक साल से। ऐसा क्या हुआ, उसने क्या हरकत की, बच्ची ने कैसे बताया आपको? मेरी बच्ची ने आके मैंने रोन दिया, इन्हें कार बच्ची आई ने तो कहंदी मामा मैं पढ़न नहीं जाना। मैं क्या बेटा क्यों नहीं जाना? तो कहंदी है मामा के कार साहब ने ना कि मैनू ना अंदर बुला के सफारा साइड पर रखवा के ना कि मेरी शलवार उतार के ना तो अपनी अपनी पेशाब वाली जगह मेरी पेशाब वाली जगह जाके वाशरूम कर दिता, तो रोंदी आई है कार। बेटा मुझे ये बताएं कि आप किन के पास जाती थी पढ़ने के लिए? कारी जैन। कारी जैन के पास? कारी जैन क्या पढ़ाता था आपको? कलमा और सपारा। अच्छा, कलमा पढ़ाया था आपको? कलमा सुनाए जरा। कौन सा? पहला कलमा सुना दें।
अब तो इस बच्ची ने कलमा भी पढ़ दिया, अब आपको यकीन भी आ जाएगा ये बच्ची झूठ नहीं बोल रही। बेटा मुझे ये बताओ कि वो अंकल ने, वो गंदे अंकल ने क्या किया था, आपको क्या कहा था, क्यों मारा आपको, क्या बदतमीजी क्यों किया, कहता था क्या, कहते थे वो बदतमीज अंकल, कहता था एक साइड पास पारा रख दो तो बाद में फिर मुझसे ऐसे क्या था, कैसे किया था, पहले कहता पारा साइड रख दो, मैंने रख दिया तो फिर बात कहता निकल मेरी खुद ही निकल उतार के तो ऐसे किया था मेरे साथ। उसने अपने कपड़े भी उतार दिए थे। हाँ जी, ये है वो मौलवी, देख लीजिए ये है वो मौलवी, ये हम अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं सर, ये तालीम दी जा रही है हमारे मुल्क में, कहाँ है वो रियासत। सर आप सवेरा के वाले साहब हैं, किस तरह से पता चला था इस वाक्य के बारे में? ये मैं रात को 9 बजे जब काम से आया ना, मैं रक्षा चलाता हूँ कभी, तो मुझे बीबी ने कहा जो ऐसे ऐसे सवेरा के साथ कारी साहब ने किया है। मैं सुबह उठा हूँ, मैं पहले मलेदारा के पास गया हूँ, उलमा एक उनके पास गया हूँ, एक चेयरमैन के पास गया हूँ, चल के तो जो फैसला कर लो। उन्होंने कहा जी पर्चा दे दिया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस बंदे के साथ। हाँ जी, जब मैं गया हूँ SHO के साहब पास, SHO साहब ने फौरन एक्शन लेके इन्हें गिरफ्तार करके पर्चा दिया। नशना तंग करते हैं, ये कहते हैं सुलह कर ले तू बैठ जा। कौन आके कहता है सुलह कर ले? साथ के उन्हें अपने जो रिश्तेदार हैं। मेरे साथ वो दरिंदा सफाक शख्स मौजूद है जिसने मासूम बच्ची नहीं देखी और अपनी हवस पूरी करनी चाहिए। हाफिज साहब, ये कैसे सोच लिया आपने, घर में बहन बेटी भी होगी आपकी, कुछ बच्चियां भी होंगी आपकी, ये कैसे आपके जहन में आया कि मैंने उस बच्ची के साथ करना है कुछ? पहले कभी नहीं आया। पहले कभी नहीं आया, अब तो आया ना, कैसे आया, शैतान ने कैसे वरगलाया आपको? पता ही नहीं चला। क्या किया, क्या था आपने? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खास नहीं किया। ओहो, कुछ खास नहीं किया, जो किया वो बता दें। बस झोली में उठाया। अच्छा, और क्या किया? कुछ बच्ची बता रही है कि आपने पेशाब भी किया। ये बच्चे के अल्फाज हैं, बच्ची झूठ बोल रहेगी। पेशाब नहीं किया। अच्छा, क्या किया आपने? बस झोली में बिठाया। अच्छा, और क्या किया फिर आपने? उसके बाद कुछ नहीं किया। पढ़ाते क्या थे आप? सपारा। सपारा पढ़ाते थे। सपारा पता है क्या होता है? जी, कुरान पाक का हिस्सा है ना। जी, कितना पढ़े हुए आप? 5। 5 पढ़े। किसने आपको हाफिज कुरान बनाया? मदरसे में पढ़ता। उस्ताद का नाम क्या था? कारी मौजम साहब। वो भी ऐसे काम करते थे, वो ये सिखाते थे आपको? नहीं। कहाँ से सीखा ये काम करना, कैसे सीखा, कहाँ सीखा, कैसे था? वालदैन से सीखा था, बाहर दोस्तों से सीखा, किससे सीखा? किसी से। किसी ने तो बताया होगा, गंदी फिल्में देखी होंगी, कैसे सीखा? जहन में क्या आया था, तब क्या आया जब बच्ची सामने आई थी? मुझे खुद नहीं पता चला, बाद में बहुत पछतावा हुआ। अच्छा, मेरे साथ इस टाइम SHO सलीम साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। जी, सवेरा के वालिद ने मुझे बजरिया टेलीफोन रब्ता किया और इसमें ये बड़ा परेशान था। मैं फौरी पहुंचा इसके पास, इसे मैं हौसला दिया कि सब कुछ हो जाता है, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा, और विद इन 2 or 3 hours आपको इंसाफ मिल जाएगा। और मुलजम का पता कराया, अपने सोर्स यूज किए, और अल्लाह का शुक्र है 1.5-2 घंटे के अंदर मैंने मुलजम को अरेस्ट कर लिया। सवेरा के मुलजम ने फौरी तस्लीम कर लिया था कि मैंने ज्यादती की है, या आपने मनवाया? फिर बिल्कुल कोई टॉर्चर नहीं किया उस पर किसी किस्म का, सिर्फ उसको ये कहा है कि ये छोटी बच्ची है और ये गलत नहीं कह सकती। उसके क्या, उसने तमाम स्टोरी सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुई है आपके हवाले से, कि आप बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। बहुत से SHO से मेरी मुलाकात हुई लेकिन ऐसा रवैया मैंने नहीं देखा। मेरे इलाके में रहती है तो वो मेरी बेटी है। सच्चे मस्तखरवंशी मजहबी शिक्षक कारी द्वारा मस्तखरवंश के सम्मान और परंपराओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए किए गए इस छोटे से प्रयास के विषय में आप भी अपने विचार संदेश पेटी में अवश्य प्रेषित करें। साथ ही सक्षम सदस्य हर प्रकार से अपने इस चैनल का सहयोग करने का प्रयास करें ताकि इस चैनल के प्रसारण में विघ्न आ पाए। मस्तखरवंश को समर्पित अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक तथा टॉपी डिटॉक से जुड़े रहें ताकि मस्तखरवंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी का आनंद पाने का सौभाग्य आपको मिलता रहे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।